जी दंडौत बंदन अनक बार सर्वकला समरथ डोलन ते राख हो प्रभु नानक दी कर हाथ सचन सच्चा पातशाह सिर सहंदशाह जिस पास बैठियां सोही सब नांदावे सा जिस पास बैठियां सोही सब नांदावे सा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी श्लोक महला तीजा सतगुर मिलया भुख गई भेखी भुख न जाए दुख लगा घर घर फिरा अगा दूनी मिला सजाए सतगुर मिलया भुख गई भेखी भुख ना जाए दुख लगा घर घर फिरा अगा दूनी मिला सजाए अंदर सहज ना आयो सहजे ही लै खाए मन हठ जिस दे मंगना लैना दुख मनाए इस भीखा थाव हो गिर हो भला जिथ हो को वरसाए सबद रते तिना सोजी पाई दूजा भरम भुलाए पया किरत कमावना कहना कछु न जाए नानक जो तिस भाव है से भले जिनकी पत पावहे थाए पया किरत कमावना कहना कछु न जाए नानक जो तिस भावहे से भले जिनकी पत पावहे थाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह हलत पलत दे राखे तखत चवर शतर दे मालक गुरता गद्दी ते सुभायमान सतगुरु जहरा जहूर सर्व कला भरपूर दसा पातशाहियां दा प्रतक स्वरूप
जागत जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दी सचखंडी संगत अंदर गुरद्वारा दीवान हाल मंजी साहिब सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर विखे दर्शन इशनान करन पुजियां समुचियां संगता जिथे अमृत वेले सचखंड विखे दर्शन दीदार करके लाहे लेंदे हो उथे सचखंड तो आए हुए सभे सांझीवाल सदायन दे पावन पवित्र मुख वाक रूपी उपदेश नूं समझण लई विचारण लई नितनेम नाल इस स्थान ते बैठ के कथा विचार वख वख विद्वाना पासों सिंह साहिबान जी पासों आप बड़भागिया संगता सरवण करदे हो उथे देश विदेश अंदर घरां विच बैठ के शब्द गुरु सुरत धुन चेला दे सिद्धांत अनुसार शब्द नूं चैनल माध्यम राही अपनी सुरत द्वारा घरां विच बैठ के सरवण करदे हो। आओ जिथे अज सतगुरु जी दे बख्शे हुए मुख वाक दी विचार आपां रल मिल करके गुरु बख्शी बुद्ध अनुसार विचारनी है उथे अज गुरु नानक दा सत्तवां जामा सतम पातशाह साहिब श्री गुरु हर राय साहिब जी महाराज गुरु करता हर राय साहिब श्री गुरु हर राय साहिब जी महाराज जी का प्रकाश पुरब है। पहलों सतगुरां दे प्रकाश पुरब की विचार आपां रल मिल करके विचारनी है। गुरु खुशियां लैण लई सारी संगत रसना करो पवित्र उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। फिर करो कृपा सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सब तो पहलो समुचे पंथ नूं समुचियां संगतां नूं धन गुरु हर राय साहिब जी महाराज जी दे प्रकाश पुरब की लख लख वधाई होवे। जिथे तुसी सतगुरां दा प्रकाश पुरब मना रहे हो सतगुरां दे जीवन विच बख्शे हुए सिद्धांत दा प्रकाश सतगुरु तुहाडे साडे सारयां दे जीवन विच बख्शिश करन। धनता दे योग हो जो सतगुरु का प्रकाश गुरपुरब मना रहे हो। भाई गुरदास जी का फरमान है कुरबाणी तिन्ना गुरसिखा भाई भगत गुरपुरब करंदे भावना नाल भगती करदे हैं भगती द्वारा गुरु दे पुरब तुसी मनाउंदे हो। तुहाडे जैसियां संगतां तो सतगुरु कुरबान बलिहार जांदे है। पावन बाणी दा वचन है सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। सब तो पहला सतगुरु ने संसार च अवतार धारण लई केड़ी धरती चुनी। धरती बड़ी है अज भावें विदेशां विच जाण दी होड़ लगी है दौड़ लगी है पर निरंकार ने कि धरती चुनी। वो निरंकार ने प्रकाश धारण लई कि धरती की चोण की वह भागा वाली धरती कि वो धरती है। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी की वसाई हुई पवित्र धरती कीरतपुर साहब की
ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੰਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਧਨ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਧਨ ਧਨ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਚੁਣਿਆ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਦਿੱਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜਜੋ ਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜੈਸੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲਕਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਧਨ ਧਨ ਪਿਤਾ ਧਨ ਧਨ ਕੁਲ ਕੁਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਲ ਹੈ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਸਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਿਰਾਸਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਢ ਵੰਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮੱਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਬੀਬੀ ਪੀਰੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ
चाचिया की थां ते धन सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज की पवित्र धनता दे योग कोल है सोड वंश पहला धन धरती धन दर्शन करने वाले सिख फिर सतगुरु कहिंदे धन पिता धन कोल से सब तो वध धनता दे योग धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। मां का दर्जा बड़ा बड़ा है, माता धरत महत। महाराज सच्चे पातशाह जी ने मां गुरबाणी दे विच मत नूं भी किया है, मां जन्म देण वाली भी है, गुरु नूं भी मां किया है, गुरदेव माता धरती नूं मां किया, माता धरत महत। उत्थे जन्म देने वाली मां का बड़ा बड़ा मरातव है। धन धन सो जननी, दो बार धन किया जननी नूं, वो लोक च भी धन है ते परलोक च भी धन है जिन्हें गुरु नूं जनिया, ते नहीं तो उलांभा भी दिता उस मां नूं जिस मां का पुत नाम नहीं जपदा। जिन हर हिरदा नाम न बसियो तिन मात कीचै हर बांझा। जिहड़े नाम जपने वाले आ उन्हां दी मां नूं धन किया, तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज सच्चे पातशाह का प्रकाश कीरतपुर की धरती, पिता धन बाबा गुरदित्ता जी, माँ धन माता निहाल कौर जी, माँ अनंती जी भी कहिंदे आ, नाम अनंती जी भी आउंदा है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह का अवतार 1630 ईस्वी नूं 1687 संमत बिक्रमी दे विच सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र अवतार हुंदा है, प्रकाश हुंदा है। जिस वेले सतगुरु का अवतार हुंदा है उस वेले गुरता गद्दी ते ने श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ते सच्चे पातशाह अमृतसर की धरती ते ने। जिस वेले अवतार होया बाबा गुरदित्ता जी ने सुनेहा भेजिया, क्योंकि उस वेले संचार माध्यम ना तो कोई फोन सी, उस वेले सुनेहा आप लेके जाना पैंदा, गुरसिख सुनेहा लेके आए है। तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दे अगे बेनती कीती, सतगुरु आप जी नूं बधाई होवे, आप जी दे ग्रह विखे सतगुरु जी पोतरे दा अवतार होया है। कई गुरसिख कहिंदे आ वी बाबा गुरदित्ता जी सतगुरु महाराज की हजूरी च लैके आए, सतगुरु जी ने गोद विच चुक के उस वेले बचन कहा सी, वड्डी दात लैण वाला आ गया। ते सतगुरु महाराज नूं बाबा गुरदित्ता जी ने बेनती भेजी सी, सच्चे पातशाह पिता सतगुरु जी तुहाडा पुत्र है, कृपा करो तुसी नाम रखो। तो उस वेले सतगुरु जी ने हरिमंदर साहब कड़ाह प्रसाद की देग लेके अरदास की है, महाराज ने ते नाम रखे हर राय, हरी दा रूप, राय प्रकाश रूप, रब दा रूप। नाम दा बड़ा बड़ा महात्मा, नाम ही है जिहड़ा जीव नूं तार दिंदा है। नाम बड़ा सोच समझ के गुरसिख गुरसिखां वाले नाम रखते हैं। नैट ते सर्च करते हैं लोग, अंग्रेजां वाले नाम रखने पसंद करते हैं, फिर ओहो जिही बच्चे का सुभाव हुंदा, ओहो जिही जीवन हो जाता है। सतगुरु जी ने नाम रखिया रब दे नाम ते, हर शब्द गुरबाणी च बेअंत वार आउंदा है, रब दे नाम ते नाम रखिया हर राय, राय प्रकाश रूप, हरी दा रूप प्रकाश रूप, हर राय साहिब। जिस वेले प्रकाश होया कीरतपुर साहब भी बधाइयां संगतां दे रहियां ने, ते अमृतसर साहब भी, दोवां थावां ते अवतार की खुशी मनाई गई है। सतगुरु जी दे जीवन नाल बेअंत कौतक जुड़े हुए है।
बहुतात करके सतगुरु जी ने चार साल की उम्र तो ही दादा सतगुरु की संगत की है, क्योंकि जिस वेले जिंदवड़ी अस्थान ते आनंदपुर जिहड़ियां संगतां दर्शन करन जांदियां उन्हां नूं पता है बाबा गुरदित्ता जी ने जदों मोई होई गऊ जिउंदी कर दित्ती सी। जिवें इत्थे तुसीं आ मंजी साहिब दे नाल ही बाबा अटल राय जी दा अस्थान दर्शन करदे हो, इतिहास तुहानूं पता है वी साथी नूं मरे होए नूं जिउंदा कर दित्ता सी। तां सतगुरु गुरु घर दे सिधांत अनुसार गुरु साहब के बचना अनुसार उस वेले बाबा गुरदित्ता जी ने सतगुरु दे विच अपना सरूप लीन कर लिया सी। ते बचपन दे विच ही इस सिद्धांत की सोझी पै गई है सतगुरु धन गुरु हरराज साहब जी महाराज नूं श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की बालपन तो ही संगत करते हैं। गुरमुखी विद्या का ते नाल नाल शस्त्र विद्या का सारा अभ्यास, क्योंकि सतगुरु जी के जीवन में चार जंगा का जिक्र है, शस्त्र अभ्यास घोड़सवारी की विद्या सतगुरु जी ने सारा प्रबंध किया है। मैं संखेप बेनती करा, कीरतपुर साहब की धरती से सतगुरु जी ने अपना शरीर छड़िया, धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जदों कीरतपुर साहब गए उदों भी नाल है सतगुरु। तो सतगुरु धन गुरु हरराय साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी के जीवन में जिक्र आउंदा, एक दिन दादा सतगुरु जी दे नाल जिहड़ा सतगुरु का नौ लखा वाग है अज भी जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बड़े जतना नाल मुड़ सुरजीत किया है, वह बाग दे विच धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी सैर कर रहे सन। पगडंडी ते चल रहे ने, पिछे पिछे धन गुरु हरराय साहब जी महाराज ते जिक्र आउंदा सी कि सतगुरु जी महाराज चोला बड़ा वड्डा पाउंदे सी। कई विद्वानों ने लिखिया भी 101 कली का पाउंदे सी बचपन तो ही, बड़ा खुला चोला हुंदा। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जांदिया जांदे एक बड़ा सुंदर फुल वेखिया ते महाराज ने उहदी प्रशंसा कीती है, क्योंकि भगती वाला हिरदा कोमल हुंदा ना, कोमल हिरदा कादर दी कुदरत दी सुहापण नूं वेख के फिर वह हिरदे दे विचों आप महारे उहदी सुंदरता दे परथाए बचन निकलदे आ। सतगुरु महाराज ने बचन किया, वाहिगुरु की कुदरत ने वेखो किन्ना सुंदर फुल इत्थे बख्शिश किया, किन्ना सोहना गा। यह भी इतिहासकार लिखते हैं महाराज ने बचन किया भी माला च प्रोण वाला फुल है। महाराज सैर करदे अगे लंघ गए ते सतगुरु धन गुरु हरराय साहब जी महाराज बचपन च डेम वेख्या भी दादा सतगुरु काफ़ी अगे लंघ गए है, थोड़ा काली नाल अगे चले। जदों काली नाल अगे चले तो चोले विच हवा पै के चोला ज़्यादा खिल रहा है, तो फुल नाल लग के फुल दियां जिहड़ियां पत्तियां सी टुट के डिग पईआं। जदों सतगुरु वापस आए महाराज ने वेख्या भी फुल टुटिया होया है, तो सच्ची सरकार ने उस वेले वेख के बचन किया ये फुल गुरसिखा पुछदे आ किवें टुटे है, किने तोड़िया। इतिहासकार जिक्र करते हैं कि धन गुरु हरराय साहब जी का जिहड़ा निजी सेवादार सी वह पिछे सी, उहने वेख्या सी, उहने कहा सतगुरु किसी ने जान बुझ के नहीं तोड़िया, आप जी दे पोतरे धन श्री हरराय साहब जी दे चोगे नाल लग के पंखड़ियां टुट गईआं। तो महाराज सच्चे पातशाह ने उस वेले इतिहास का वचन किया, इतिहास ने समोके रखे वचन। महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा हरराय जी जे बड़े चोले पाने हैं तो इन्हों संभाल के चलना सीखो। संकेत सी, बड़ा डूंगा वचन सी महाराज सच्चे पातशाह का कि जे बड़िया जिम्मेवारियां संभालनी है तो उन्होंने संभाल के रखना भी बड़ा जरूरी है, समोके रखना बड़ा जरूरी है, संजम च रहना बड़ा जरूरी है।
संजम बल इशारा सी। इतिहासकारां दा वचन है कि सतगुरु जी ने ता उमर भावें गुरता गद्दी ते रहे अपना चोला हाथ नाल हमेशा संभाल के रखी, हाथ नाल पकड़ के रखिया, क्योंकि दादा सतगुरु दा वचन सी। इन्ना वचन मन विच बसा लिया, वचन नू सारी उम्र परपक्ता नाल निभाया। बेअंत प्रमाण मिलते हैं सतगुरु जी के जीवन विचों, जिथे बेअंत सिख्यावां मिलते उत्थे गुरबाणी प्रथाएं भी सानू। जदों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने गुरता गद्दी की बख्शिश की अपने पोतरे नू, भावें गुरता गद्दी के मालक ने गुरु ने धन गुरु हरिराय साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह, एक दिन सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह पलंग ते बराजे हुए आ, संगतां ढोलकियां सैणियां दे नाल कीर्तन करदियां आ रहियां ने, ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दे कन्नी जदों श्री गुरबाणी जी की आवाज पई है, तां महाराज काली नाल गुरप्रताप दा बचन, श्री गुरप्रताप दे विच चूड़ामणी कवि भाई साहिब भाई संतोख सिंह जी बचन करदे है कि सतगुरु एकदम हब्बड़ वाहे काली नाल उठे है, ते उठदियां दे महाराज दे पलंग दे नाल खह के गोडे नूं चोट लगी है, थोड़ा खून सिमे है। सतगुरु बाहर आए है, गुरसिख बाणी पढ़दियां ने वेख्या कि सतगुरु जी दे गोडे ते चोट लगी है, खून सिम रहा है। गुरसिखां पुछिया प्राणा तो प्यारे सिख जिहड़े सतगुरु महाराज तो जाना कुरबान करन वाले सिख सेवा विच ने, महाराज इह चोट किवें लग गई? महाराज कहण लगे भाई सिख बाणी पढ़दे आ रहे सी, असीं उच्चे बल पलंग ते विराजे होए सी, बाणी दे अदब दे विच बाणी दे सत्कार दे विच असीं पलंग तो उठे, ते उठदियां गोडे नूं चोट लग गई। कहण लगे सिख महाराज गुरु आप हो, बाणी का गुरु नहीं है, क्योंकि गुरता गद्दी तो दसवें पातशाह ने दिती है। महाराज बाणी तो गुरु नहीं, गुरु आप हो, बड़े आप हो, आप नू इन्ना अदब करन दी की लोड़? उस वेले जिहड़ा बचन महाराज ने किया सानू सारिआं नू पल्ले बन्नण दी लोड़। महाराज कहन लगे जिन भय अदब बाणी ना धारा, जानहु सो नहि सिख हमारा। महाराज कहिंदे जिहड़ा बाणी दा अदब ते भय नहीं करदा, दो गल्लां अदब, अदब दा अर्थ सत्कार, दूसरा भय। जिहड़ा बाणी दा सत्कार ते भय नहीं करदा उह साडा सिख ही नहीं है। सतवें जामे च बाणी की एड्डी महानता दर्शाई। दूसरा एक कौतक बाणी प्रथाई महाराज के जीवन में मिलता है कि सतगुरु जी ने गुरसिख पुछते हैं महाराज असी बाणी पढ़ते हाँ, कोई रस नहीं आता, कोई आनंद नहीं आता, कोई प्रकाश नहीं, कोई अवस्था नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई चित की एकाग्रता नहीं, कोई मन नहीं टिकता। अक्सर साढ़े सवाल ने ज्ञानी जी बाणी पढ़ते मन नहीं टिकता, इदो अगांह दे सवाल ने रस नहीं आता, प्रकाश नहीं आया, अनुभव नहीं होया, चित एकाग्र नहीं होया। कोई कहिंदा साडी दृष्टि नहीं खुली, कोई कहिंदा जी कौतक नहीं वरत्या। महाराज की सानू बाणी फिर पढ़नी चाहिए है कि छड़दी है? जदों कोई कृपा ही नहीं हो रही, बड़ा चिर हो गया बाणी पढ़दे आ नूं। महाराज कहिंदे रुक जाओ भाई, इहदा जवाब, कई सवाल हुंदे मौके ते जवाब दिता जांदा, कई सवालां दा जवाब जिहड़ा हुंदा है उह करके विखाउणा पैंदा, फिर उत्तर मिलदा है। समां ही ते उत्तर देवांगे। कुछ दिनों बाद महाराज सच्चे पातशाह जंगल वल शिकार खेडन गए है। सतगुरु दे शिकार भी अलौकिक सी। सतगुरु महाराज कीरतपुर दे इलाके विच जंगलां विच जदों जांदे, उत्थों सतगुरु पशु पंछी पकड़ के कीरतपुर च रख बनाई हुई सी महाराज दी,
उन्हें रख दे महाराज सचे पातशाह संभाल दे। ते गरीब नवाज सतगुरु महाराज जो जंगल वल गए है, सूरज चढ़िया होया है, सूरज दियां किरणां धरती ते पै रही है, धुप खिड़ी हुई है, दूर कुछ चमक रहा है। अंतरजामी सतगुरु समझाउण लई गुरसिख नूं कहण लगे, सिखा जिने सवाल पुछिया सी, ओ वेख भाई की चमक रहा है, जा लिया जा के की चीज है। जो सिख गया नेड़े जाके पता लग्या भी कोई घड़ा टुटिया होया, टुटे हुए घड़े का भांडा है। वो ठीकरा जदों चुक के लिया टुटे हुए घड़े का महाराज कोल लिया है, तो महाराज कहन लगे भाई ये दूरों चमक क्यों रहा सी। कहन लग्या महाराज जापदा भी ये किसी के घर घ्यो वाला भांडा रखा, कोई माई ये घ्यो रखती होनी है। पुरातन समय में घ्यो दुध ते पुत एक समान मनिया जाता सी, दुध नू बेचते नहीं सी लोग, दुध की संभाल करके रिड़क के घ्यो बना के घड़िया दे विच भर के रखते। महाराज कोई माता ये घ्यो पाउंदी होनी है, थंध्याई लगती है ये। पातशाह कहन लगे सिखा घ्यो पहला पाउंदे होणगे, हुण क्यों चमक रहा है। महाराज थंध्याई इहदे अंदर वस गई है, उस करके सूरज की किरण नाल दूरों चमक रहा सी। महाराज कहन लगे पता सानू भी है, पर तेरे सवाल का उत्तर है। तू पुछिया सी बाणी नाल सानू रस नहीं आया, आनंद नहीं आया, अनुभव नहीं होया, चित नहीं टिकया, मन नहीं टिकदा, की करिए, बाणी पढ़ी एक छड़दी है। महाराज कहिंदे वेख घ्यो किते पहलों पाया होना किसे माई ने, थंध्याई नाल अज भी चमक रहा। बाणी भावें रीझ के पढ़ो, भावें खीझ के पढ़ो, भावें जिवें मर्जी पढ़ो, पढ़ी जाओ, बाणी ने तुहाडे अखीर हिरदे च वासी जाणा। एक दिन बाणी ने कृपा करनी है, जिवें ये भांडा चमक रहा तुहाडे अंदर भी एक ना एक दिन कृपा हो जानी है, टिकाओ आ जाणा। जिस वेले मन टिक गया, एक खिन लई भी मन टिक गया, उस वेले प्रकाश हो जाणा। जदों चित टिक गया उस वेले रस आ जाणा। सतगुरु महाराज के बेअंत कौतक ने धन सतगुरु साहिब श्री गुरु हर राय साहब जी महाराज गरीब नवाज परम कृपालू परम दयालु सतगुरु दा अज प्रकाश पुरब, जिथे दुनिया ने कोने कोने विच वसदा हर सिख मना रहा, उत्थे सचखंड श्री हरिमंदर साहब वेले अज प्रकाश तो उपरंत हुक्मनामे तो उपरंत अरदास विच भी अरदास कीती गई है। विशेष तौर पर सतगुरु जी का प्रकाश गुरपुरब मनाया जा रहा है। आप सरबत संगत सतगुरु का भावना नाल प्रकाश पुरब मना रहे हो, सरबत संगत नूं लख लख बधाई होवे। आओ जतन करिए रहिंदे समय विच जो सतगुरु जी ने पावन मुख वाक का शब्द अज का आवाजा बख्शे है, अज का हुक्मनामा बख्शे है, सतगुरु जी कृपा करन बख्शी सतगुरु बुद्ध अनुसार आप संगता नाल विचार रंभता तो सांझी करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। अज दे पावन पवित्र फरमान सतगुरु जी का श्री गुरबाणी का शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पावन अंग 586 ते प्रारंभ हुंदा है। ये नवीन जो छापे वाले सरूप ने इन्हां दे उपर 587 तक ये पावन शब्द चलता है। ये वार दा शब्द है, बड़हंस राग दी 22 वारां विचों वार है। जिस तरह बसंत की वार दीआं पौड़ियां ने केवल पुरातन सरूप पौड़ियां सन, फिर सतगुरु जी ने जिस वेले कृपा कीती है आदि ग्रंथ की रचना की रामसर की धरती ते, धन सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वारां दे नाल सतगुरु जी ने सलोक नाल रलदे मिलदे रला करके अंकित कीते है। ये 21 वारां ने ते बड़हंस की वार महला चौथा सरलेख सतगुरु जी ने बख्शिया।
हुण कईआं दे मन च विचार आवेगा वी इत्थे सलोक महला तीजा है, पर प्रारंभ दे विच वड़हंस की वार महला चौथा है। उहदा कारण उहदा भाव है वी जिन्नियां पौड़ियां ने इह महले चौथे धन गुरु रामदास जी दीआं ने, इक्की दीआं इक्की पौड़ियां, जिहड़े सलोक ने इन्हां दी गिणती विद्वान 43 करदे आ इस वार दी, जिहदे विचों 40 जिहड़े सलोक ने उह धन गुरु अमरदास जी दे उचारण कीते आ। 3 सलोक धन गरीबन बाज आप निरंकार सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब सच्ची सरकार दे उचारण कीते आ। इह जिहड़ी चौथी पौड़ी है इहदे नाल सतगुरु जी ने कृपा करके 2 सलोक अंकित कीते आ। इह दोवें सलोक धन गुरु अमरदास जी दे ने। आओ पहले सलोक दी विचार सरवण करिए। सतगुर मिलया भुख गई। महाराज सच्चे पातशाह नूं सेवक पुछदे आ, महाराज आ कई फिरके ऐसे ने इह घर घर मंगदे फिरदे आ, किसी तो वस्त्र मंगते हैं, किसी तो खप्पर लेके भोजन मंगते हैं। हिंदुस्तान की पुरातन संस्कृति रही है घर बार छड़ के कोई योग मत धारण कर लैंदा है, कोई संन्यास ले लैंदा है। 4 आश्रमां दे विचों इक संन्यास आश्रम है, मत भी है। महाराज सच्चे पातशाह ने संन्यास बाबद कहा, रेमा ने ऐसो कर संन्यासा बन से सदन सभा कर समझो मन ही माहे उदासा। योग बाबत वचन कीता, योग न भगवी कपड़ी योग न मैले वेस, नान घर बैठिया योग पाईए सतगुर का उपदेश। धन सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने गृहस्थी की वड्याई की है, सकल धर्म है गृहस्थ प्रधान है। तो पातशाह महाराज कहन लगे, गुरसिखो घर घर ही मंगते फिरदे, इन्हां दी भुख नहीं मिटदी। कहते महाराज फिर भुख किवें मिटदी है, जिवें महाराज का वचन है ना, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार। तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे, इन्हां ने घर का भावें त्याग कर दिता, परिवार का भावें त्याग कर दिता, पर इन्हां दी भुख नहीं मिटदी। कहिंदे पातशाह फिर भुख मिटे किवें? तो सतगुरु दसदे आ, कहिंदे सतगुर मिलिया भुख गई। जदों सतगुरु पूरे की प्राप्ति हुंदी आ, गुरु तो बड़े लोगों ने धारण कीते आ, बड़े बड़े गुरु धारण कर लैंदे, कोई एक तो वध भी गुरु धारण कर लैंदे आ, पर सतगुरु केवल दसां जामिआं च वरते गुरु नानक। फिर अज सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु ने, सच्चे गुरु ने, लोक परलोक दे विच सच्चे ने। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे, भाई पूरे गुरु की जदों प्राप्ति हुंदी है तो फिर जन्मां जन्मांतरां दी सतगुरु की कृपा नाल संतोख द्वारा भुख मिट जांदी है। भेखी भुख ना जाए। हाँ, कोई भेख धारण कर ले, कला लिवास पा लिया किसी मत दा, कवे मेरी भुख मिट जाएगी मैं संतोख रख लवांगा, नहीं। अंदरों फिर पदार्थां दी जे भुख चली गई तां शक्तियां दी भुख पैदा हो जानी है, रिद्धियां सिद्धियां दी भुख पैदा हो जानी है, भुख दा रूप बदल जांदा, भुख नहीं मिटदी। पातशाह कहिंदे कोई भेख भेख धार लिया, पूरा गुरु नहीं मिलिया, भेख धारण नाल भी भुख नहीं मिटदी। दुख लगा घर घर फिरा। जदों घर घर दे विच फिर फिर के लोकां दे घरां दे विच जा करके फिर भोजन मंगदा है, वस्त्र मंगदा है, अन्न पानी मंगदा है, तां माया मंगदा है। तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे दुख लगा है, उहनूं कोई ना कोई दुख लग जांदा है। इहदे कारण भी कई गुरमुखां ने वर्णन कीते है कि जदों कोई किसी दे घर तो मंग के खांदा है, कोई भी किसी नूं इच्छा तो रहत विरला ही है, कोई गुरमुख जिहड़ा इच्छा तो रहत भोजन छकावे नहीं, इच्छा संयुक्त भोजन छकाउंदा है। जदों कोई किसी नूं प्रसादा छकाउंदा है, कोई ना कोई इहदे मन की इच्छा हुंदी है, महाराज मैं गुरसिखां नूं प्रसादा छकाऊंगा, मेरी आह अरदास पूरी हो जाए, जां आह कारज हो जाए।
फिर जेड़े पुरातन गुरसिखां दे जीवन वेखदे आ जदों किसे दे घर प्रसादा छकदे सी उहदे बदले एक जपजी साहिब दा पाठ करदे सी। जे पंज सिंह किसे दे घर प्रसादा छकदे वापस आउंदे आउंदे उन्होंने रस्ते च जपजी साहिब दा पाठ उन्हां निमित कर देना। जे पंज सिंह ने तां पंज जपजी साहिब दे पाठ उन्हां निमित हो गए, सतगुरु उन्हां दे कृपा कर दिंदे सन, उन्हां दा भला हो जांदा बाणी द्वारा। ते नहीं तो सतगुरु महाराज कहिंदे दुख लगा है, जिहड़े घरां घरां च मंगदे भेखी लोक ने, कईआं दा तां इत्थों तक बुरा हाल हो गया भी तेरे घर तां आ के असीं प्रसादा छकांगे, तेरे प्रोग्राम ते तां आवांगे जे इन्ने पैसे देवेंगा। पैसे भी कर्म के जांदे आ, फलानी चीज़ देवेंगा फिर आवांगे, बहुत थावां तों गल्लां सुणन नूं मिलदी। सतगुरु जी कहिंदे दुख लगा है, फिर लोक परलोक दे दुख सहने पैंदे आ, दुख लगदे आ, घर घर फिरा अग्गा दूनी मिलै सजाए। ते महाराज कहिंदे जिथे ए लोक च दुख लगदा है उथे फिर परलोक च दुगनी सजा मिलदी है, क्योंकि जिस निमित ने भोजन सिखाया इतिहास चो सिक्ख्या मिलदी है ना। जद सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी महाराज सच्चे पातशाह नूं मालक भागो न्यौंदा दिंदा है कि मेरा ब्रह्म भोज सको, तो सतगुरु जाते नहीं। जिस वेले फिर दूसरी बार महाराज फिर नहीं जाते, तीसरी बार का जिक्र आउंदा गुरप्रताप सूरज ग्रंथ में नानक प्रकाश के हिस्से में भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरु जद जाते हैं तो उत्थे कौतक वरताउंदे आ महाराज सच्चे पातशाह, ते सिक्ख्या दिंदे आ सतगुरु कि आ मलक भागो जी ने अज तेरा यह भोजन खा लिया, लोगों का खून चूस चूस के ब्याज के पैसों नाल तों लोगों के पैसे कट्ठे कर करके ये ब्रह्म भोज कराई जा रहे हैं, ये लोगों के खून पसीने की लुट्टी हुई कमाई है, यू जेड़ा भी कोई जपी तपी सती कोई भी खा लवेगा वह सब कुछ चलिया जाएगा। ते अज तो आप भोजन छकन लगे वेखते ही नहीं। गुरबाणी ने चार बजर पाप कहे, ब्राह्मण कैली घात कंज का अणचारी का तान, चौथा बजर पाप गुरबाणी ने मनिया अणचारी का तान, अण आचरण वाले का तान, जिदी किरत जिदी कमाई दसां दाहां दी नहीं पाप की कमाई का तान, उहदा जिहड़ा कोई खावेगा उदे मन ते जैसा अन्न तैसा मन, उदा मन भी उहो जिहा होवेगा। मारे कहिंदे उहनूं लोक परलोक दे दुख लगणे आ, दूनी सजा मिलनी आ, अंदर सहज ना आयो, फिर उहनां दे अंदर सहज नहीं रहिंदा, उहनां दे अंदर टिका नहीं रहिंदा, तमो गुण विरती हो जांदी आ, सहज ही ला खाए। महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे भाई उह सहज द्वारा दसां नौहां दी किरत द्वारा नहीं खांदे, जिहदे नाल सहज पैदा होणा है, जिहदे नाल टिका होणा है। सतगुरु जी ने इसे लिए मलक भागो का भोजन प्रवान नहीं किया, वह छकिया नहीं है। दसा नौहां की किरत करने वाले भाई लालो का महाराज ने कोदरे का प्रसादा छकिया, पूड़े नहीं प्रवान किए, क्योंकि दसा नौहां की किरत वाला है, उन्होंने छक के महाराज कहते मन में सहज आएगा। इसलिए जदों महाराज कहते सहज की कमाई का कोई खाता है तो वह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते भाई सहज प्राप्त करदा मन हठ जिस ते मंगना, कई फिर हठ करदे आ भी तैथों आ चीज असी लैनी लैनी है, मंग के लेंदे आ, जे अगों कवे भी मैं नहीं देना, मेरे कोले बित नहीं है, इन्नी चीज इन्नी रकम मैं नहीं दे सकदा, तो फिर वह हठ करदे आ वैसे इत्थों तैथों लैना ही लैना है। मारे कहिंदे मन दे हठ द्वारा फिर घरां घरां चों जिहड़े मंगदे आ लैणा दुख मनाए, तां सतगुरु महाराज कहिंदे फिर जदों उह लैंदे आ फिर जिहड़ा देण वाला उह बड़ा दुखी हिरदे नाल दिंदा, उह देण वाले दा मन प्रसन्न नहीं हुंदा। जदों दुखी हिरदे नाल दित्ती हुई चीज उह लवेगा भेखी तां की उह प्रसन्न रहेगा, उहदा मन भी नहीं प्रसन्न होणा। मारे कहिंदे दोवें पासे दुख मनाउंदे ऐ, इस भेखा थाव हो गिरहो भला, ये भेखियां नालों तां महाराज कहिंदे गृहस्थी चंगे आ,
ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਛਡਾ ਕੇ, ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਛਡਾ ਕੇ, ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣਾਤੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਘਰ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਵਰਤਿਆ, ਘਰ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੇਖੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਭਲਾ ਚੰਗਾ, ਜਿਥ ਹੋ ਕੋ ਵਰਸਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛਕਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਤਿੰਨਾ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਝੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਆ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਸੇਖ ਚਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਵਕਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਰਮ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਭੁੱਲੇ ਹਨ। ਪਇਆ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਲਾਭਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੋਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਭੋਗਦੇ ਆਹਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਸੇਵਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਜ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਵੇਰਾ ਸੂੰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਕੱਟਰੂਆਂ ਮੱਛਰੂਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੜਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੇਖਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਫਿਰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਭੋਗਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਸੇ ਭਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤੋਖ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਥਾ ਲਾਭ ਸਦਾ ਤਥਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਰਤੀ ਧਾਰਦੇ ਆ। ਜਿਨਕੇ ਪਤ ਪਾਵ ਹੈ ਥਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਆਬਰੂ ਇਹ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਦੇ ਆ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ? ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ, ਜਨਮ ਦਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਕ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਕਤਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਮੰਨੇ ਆ।
पर सब तो बड़ा महाराज कहते जमन मरण का जो दुख सतगुरु की सेवा नाल कटिया जाता है। चिंता मूल न हो वही जो सतगुरु की सेवा करता है भाई उन्हें कदे जीवन में चिंता मूलों ही नहीं होंगी। अचिंत वसा मन आई पातशाह क्यों नहीं होंगी चिंता सारा संसार चिंता ने ग्रसिया। महाराज कहते उन्होंने मन च अचिंत बस जाता है चिंता तो रहत करने वाला ना दे हृदय विच बस जांदा है। अंतर तीर्थ ज्ञान है महाराज उन्होंने हृदय च क्यों बसदा है। महाराज कहते भाई उन्होंने अंदर ही नाम का तीर्थ है ज्ञान द्वारा उन्होंने वो नाम का तीर्थ अंतरगत तीर्थ मल नाओ वो नाम रूपी तीर्थ का इशनान मल मल के मन कराउंदे है। सतगुर दिया बुझाए महाराज ये सोची वो कित्थों लैंदे है तो महाराज कहिंदे गुरमुख भाई गुरु के सन्मुख रहिंदे है गुरु की सिक्ख्या नूं कमाउंदे है गुरु उन्हां नूं बुझा समझा दिंदा है। मैल गई मन निर्मल हुआ कि महाराज गुरु तो सुनसार कृपा हो जाती है। महाराज कहिंदे नहीं भाई गुरु के बचना जदों कमाउंदे है उन्हां दी मैल लथ जाती है जदों मैल लथ गई मन निर्मल हो जाता है। अमृतसर तीर्थ नाए ते जिवें प्रतख सचखंड श्री हरिमंदर साहब अमृत सरोवर है तन मन दे रोग कट्टे जाते हैं इवें अंदर भी महाराज कहिंदे भाई अमृत का सर सरोवर है वो हिरदे दे विच जदों कोई उस तीर्थ दे विच सुरत टका के कोई नाम अभ्यास करता है मल मल के कोई इस नाम रूपी तीर्थ दे विच मन नूं नवाउंदा है सजन मिले सजना तां फिर भाई उह सजना नूं गुरमुखां नूं जिहड़ा सज्जन सच्चा पातशाह होवे सच्चा सज्जन है सारिआं दा पातशाह दा वी पातशाह वाहिगुरु मिल जांदा है। सच्चा शब्द सुभाए श्रेष्ठ भाई प्रेम द्वारा महाराज कहिंदे भाई उहनां नूं सच्चे शब्द द्वारा उहदी प्राप्ति हो आउंदी है। घर ही परचा पाया हाँ कि होर नहीं बहर जाना पैंदा वो हिरदे घर दे विच ही उहदा परचा परचाउणी उहदे नाल हर वक्त गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहिया समाई दी अवस्था हो जांदी है। ज्योति जोत मिलाए फिर आखर उहनां दी जिहड़ी परतक जोत है वो प्रतख जोत दे विच समा जांदी है। पाखंड जमकाल ना छोड़ई महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे भाई जिहड़े पखंडी है भेखी है जिन्हां दा पहले श्लोक च जिक्र कीता है उहनां नूं जमदूत लैके जांदे आ जिहड़े सज्जण ने वह सज्जण च मिल जाते उन्हां दी परतक जोत वाहिगुरु की जोत च मिल जाते तीन तरह की जोत का जिक्र एक परतक जोत साढ़े संसारियां च एक वाहिगुरु की निरंकारी जोत तीसरा जिहड़ी दसे गुरुआं दे विच होई अज शब्द गुरु च प्रकाशमान जोत रूप हरे आप गुरु नानक कहायो गुरजोत अर्जन माहे धरी वह गुरजोत का जिक्र किया अज वो दसां पातशाहियां दी प्रतख जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़े सज्जण ने उन्हां दी जोत सज्जण सच्चे पातशाह च मिल जाती है ते जिहड़े पखंडी ने उन्हां नूं जम काल ना छोड़े काल दे जिहड़े जम दूत लैण आउंदे आ उह छड़दे नहीं पकड़ के लजांदे लै जासी पत गवाए उन्हां दी इज्जत इत्थे भी नहीं पूरी उतरदी ते उह परलोक विच भी पत गवाउंदे आ सजावां भोगदे आ। नानक नाम रते से उबरी महाराज बचदा भी है कोई जिहड़े भाई नाम च रते है सतगुरु गुरु नानक साहब कहिंदे जिहड़े नाम दे विच जिन्हां दा मन रंगिया सुरत रंगी है वह जमा तो उभरे बच जांदे है। जिन्हां ने मंगणा छड के मंगण विरती छड के संतोख धारे है सच्चे नाम विच लिव ला के रखी ता उमर वह बचदे है। हुण जिवें कोठे ते चवारे ते चढ़न लई पौड़ी लाई दी है ना हुण इह सलोक नूं होर स्पष्ट करन लई महाराज ने पौड़ी सिधांत रूप विच धन गुरु रामदास जी बचन फरमाउंदे आ तित जाए बहो सत संगती महाराज कहिंदे भाई जे फिर पूरे सतगुरु दा हुण तुसीं मिलाप चाहुणे हो तां संगत विच जाओ संगत विच पूरे सतगुरु का मिलाप होना संगत विच सारी सोझी आनी है। जिथा हर का हर नाम बिलोईया बिलोईया का भाव रिड़किया जाता है विचार रिड़कण का भाव विचार करना जिवें दुध रिड़किया दुध मथी है तो महाराज कहिंदे उहदे विचों घिओ निकलदा ना
ਇਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਭਾਵ ਬਲੋਈਆ ਦਾ ਅਰਥ ਮਥਣਾ ਗਾ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਕਈ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਸਤਾਨਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਰ ਕਾ ਬਲੋਮਣਾ ਜੈਸੇ ਤੱਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਬਲੋਮਣਾ ਬਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤੱਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਈ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਰਿੜਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਘਿਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹਰ ਤੱਤ ਨਾ ਖੋਈਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਨਾ ਕਾਮ। ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਹਰ ਹਰ ਦਿਨ ਸੁਰਾਤ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਪੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਣਾ ਭਾਈ ਹਰ ਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਜਪਿਓ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਢੋਈਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਅਸਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਢੋਈ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖੋਈਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰੋਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਗਾਲ ਗਲੋਈਆ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗਲੋਈਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖੋਈਆ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਗਾਲ ਗਲੋਈਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।